आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में, चूंकि इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं। क्वार्टरली नंबर्स इसके एक्चुअल नंबर से ऑलरेडी काफ़ी जो एक्सपेक्टेशन थे वो लोअर एक्सपेक्टेशन थे, और प्रीवियस वीडियो में हमने कहा कि चूंकि एक्सपेक्टेशन ही इतना कम है और रिजल्ट थोड़ा बहुत भी बेटर आता है तो यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल ट्रेंड दिख सकता है। तो एपिसोड को आगे डिस्कस करें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को चाहे तो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें अगर एक्टिव ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में जुड़ना हो तो। इसके साथ ही मार्केट साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद चाहे तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहाँ देखेंगे तो इस स्टॉक के Q1 के रिजल्ट को लेकर के ही सभी न्यूज़ के एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा। जो CNBC टीवी पोल के एक्सपेक्टेशन थे वो 162 करोड़ के थे, लेकिन ये जो नंबर्स रहे एक्सपेक्टेशन को काफ़ी बड़ा बीट करा है और 524 करोड़ के नंबर कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं। यहाँ देखें प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिटा और मार्जिन, ये एक्सपेक्टेड था डाउन ट्रेंड के, लेकिन जो एस्टिमेटेड है उसको काफ़ी बड़े मार्जिन से कंपनी ने आउट परफॉर्म करा है, वो चाहे रेवेन्यू हो या हो प्रॉफिट। इसके अलावा देखिए तो डिलीवरी कंटिन्यूस बेटर दिख रहा है, टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा यहाँ वीकनेस दिखा, लेकिन जिस प्रकार से इसने एक्सपेक्टेशन को बीट करा है मुझे लगता है कि 108 के आसपास का जो जोन है 108 से लेकर के 12 के आसपास का अपॉर्चुनिटी मिले तो श्योरली ग्रैब करें। इस समय एक ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऊपर के तरफ 116 के ऊपर जो टारगेट आपको दिखेंगे 124, 135 और 152 प्लस तक के इजीली लेवल्स दिखने वाले हैं।